तो तस्वीरें देख सकते हैं, गांव में भी जो है चोरों के हौसले बुलंद होते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल के नरुखेड़ी गांव में समक्ष ज्वेलर्स की दुकान है, आप देख सकते हैं, जहां पर शटर को तोड़कर आप देख सकते हैं इस समय शीशा तोड़कर जो है, ये देखिए कैसे शटर को तोड़कर और शीशा तोड़कर जो चोर है वो अंदर दाखिल होते हैं और अंदर जो है जो जेवरात है वो चोरी कर जाते हैं। ये लाइव तस्वीर इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से जो शीशा है वो टूटा हुआ है और चोरी कर जो है वो चोर फरार हो जाते हैं। आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जो तिजोरी है उसको भी तोड़ा गया है, चांदी के जेवरात बताए जा रहे हैं जो चोरी हो जाते हैं। गांव के अंदर जो है ये ज्वेलरी की दुकान है और इस समय गांव की जो परिवार की जो महिलाएं हैं वो यहां पर मौजूद है। बहन जी क्या बताना चाहेंगे, किस नाम से आपकी दुकान है और दुकान का नाम समक्ष ज्वेलर है। तो हम यहाँ पे शाम के टाइम दुकान अपनी बढ़ाकर जैसे यहाँ से गए, तो जैसे डेली हमारा रूटीन है उसके हिसाब से यहाँ से गए, तो सुबह हमारे पास 7 बजे के करीब फ़ोन आया, जो साथ वाली दुकान है उन्होंने फ़ोन करके हमें बताया कि भाई आपकी दुकान का शटर टूटा हुआ है। तो पहले तो हमने विश्वास नहीं किया, हमने सोचा चलो वैसे ही पड़ोसियों ने फ़ोन कर दिया होगा। तो जैसे ही फिर थोड़ी देर बाद कंफर्म करा हमने एक दो जनों को कॉल करके, तो हमें पता चला कि सच में शटर तोड़ा हुआ है। तो शटर साइड में से जो पट्टी होती है वो तोड़ी हुई है और उसके बाद जो अंदर जो फ्रेमिंग वाला शीशा होता है उसका कांच तोड़ के और चोर वहाँ से नीचे से एंटर हुआ है। और एंटर होने के बाद जो हमारी तिजोरी है उसमें हमारे सोने चांदी का सामान जो किसी का ऑर्डर पे आया हुआ था और या लेना देना था जो भी कुछ था, और नगद पैसे रखे हुए थे, किसी की पेमेंट आई हुई थी 2 लाख रुपए, वो भी चली गई है। और किसी का चैनी सेट था, हमारा खुद का भी सोने के 2-3 चैनी यहाँ पर रखी हुई थी, वो भी सारी उठा कर यहाँ से चोर ले गई है। नुकसान हमारा 8-9 लाख रुपये का सामान हुआ है और 2 लाख रुपये हमारे यहाँ पे कैश भी पड़े हुए थे, कस्टमर का सामान भी रखा हुआ था, जैसे लोग सोना जमा करा देते हैं वो भी रखा हुआ था। पुलिस आई है, उन्होंने अपनी कार्रवाई करी है, वो यहाँ पर सारी फोटो वगैरह लेकर गई हैं, सारी उन्होंने रिपोर्ट लिखी है। गाँव में हम नहीं कह सकते चोरी होती है क्योंकि यहाँ पर होती रहती है, पर सुनार की दुकान में अब की बार हुई है, पहले हुई है यहाँ पर जैसे और चीज़ों को लेके हुई है, जैसे गाय भैंस की भी हुई है या अभी किसी की ऑटो की हुई है, किसी की करियाने की दुकान की हुई है, इस तरह से चोरी यहाँ पे कंटिन्यू है। क्या नाम आपका? मेरा नाम नेहा है। तो आप देख सकते हैं जो दुकान की मालकिन है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है और जो मालिक है वो इस समय यहाँ पर मौजूद है। क्या कुछ बताना चाहेंगे, कितने बजे आपको पता चला कि चोर दाखिल हुआ है? सर मुझे सुबह 7 बजे फ़ोन किया जी, पड़ोसी है दूधिया मोहित आता है, तो इन्होंने फ़ोन किया भाई आपका शटर फटे हुआ है। मैं सोचा मजाक कर रहे हो, तो पप्पू मास्टर जी है जी, इसने फ़ोन किया। मैं चल मैं फिर मेरा ताऊ का सगा लड़का रहता है पीछे जी, उससे फ़ोन किया मैंने, और शटर टूट रहे थे आप आ जाओ। तो सर हमने आते यहाँ पर पहले पुलिस को फ़ोन किया, हमने किसी चीज़ को हाथ लगाया, पुलिस ने आते उसके लोग खुलवाया जी, ताले खुलवाए, उसके बाद अंदर कहते लोग टूटे होता जी। और पुलिस अभी कह रहे हैं फिंगरप्रिंट वाले भी आएंगे, अभी देखते हैं, अभी आश्वासन दे गए मेरे को तो जब जुंडा चौकी से भी डायरेक्ट 112 भी की थे हुआ है। सर उसमें 2 तो चैनी सेट थे जी, एक तो मैं सेट कल ही लेकर आया था जी, और 2 लाख रुपये नकद लेकर आया था उसे कस्टमर के घर से जी, और चैनी सेट का 22-23 ग्राम का चैनी सेट का जी, 18-19 ग्राम का मैडम का चैनी सेट था जी, 2 सोने के रिंग थे जी कस्टमर के। आस पास घर है कैसे, किसी ने तोड़ा होगा शटर, आवाज नहीं सुनाई दी? सर यहाँ तो पता नहीं लगा जी, यहाँ दुकान में दुकान है जी, यहाँ पर कोई ज्वेलरी घर नहीं लेके जाते आप? नहीं सर मैं इसके अंदर लेके जाता था जी, और आज से कम से 5-6 महीने पहले एक भाई है जी अपना, उसकी भी सुबह दिन में दुकान फटी थी जी, रात एक ऑटो खड़ा था जी, रात उस ऑटो को तोड़ा गया जी यहाँ से जी। क्या नाम आपका? विनोद जी। तो आप देख सकते हैं नरुखेड़ी गांव के अंदर चोरी हो जाती है, तिजोरी को पाड़ कर, शटर को पाड़ कर, शीशे को तोड़कर जो चोर हैं वो चोरी कर फरार हो गए हैं। फिंगरप्रिंट टीम को वो है बुलाया गया है, कुछ ही देर में फिंगरप्रिंट टीम जो है मौके पर पहुंचेगी और उसके बाद मामले की तफ्तीश जरूर करेगी। ये लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं, जो शीशा है वो यहाँ पर बिखरा हुआ आपको नजर जरूर आ रहा होगा। गांव के अंदर चोरी होना, गांव के अंदर दुकान में चोरी होना अपने हमें बहुत हैरान कर देने वाली बात जरूर है। ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं समक्ष ज्वेलर्स है गांव में, जहां पर चोरों ने यह सेंधमारी की है, जिसके बाद गांव के जो लोग हैं आप देख सकते हैं वो भी हैरान है, वो भी इकट्ठा हो जाते हैं। जो कहीं ना कहीं जिस चीज से अंदाजा लगाया जा रहा है वो यही हो सकता है कि कहीं ना कहीं गांव के ही किसी व्यक्ति की कोई मुखबरी रही होगी या गांव का ही कोई व्यक्ति हो सकता है, क्योंकि उसी को पता है कि गाँव के अंदर गलियों में जाकर एक जो है जेवरातों की दुकान है, सोने चांदी के जेवरात जो है बनाकर वो जो है आगे बेचते हैं। आप ये लाइव तस्वीरें समय देख सकते हैं, गाँव के लोग भी हैरान जरूर है क्योंकि किस तरह से गाँव के अंदर बनी इस दुकान में चोरों ने जो है चोरी कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची थी, मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस टीमों की तरफ से शुरू कर दी गई है, कुछ ही देर में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स भी जो है जानकारी मिली है वो भी मौके पर पहुंचने वाले हैं।
तो नरूखेड़ी गांव में आप देख सकते हैं चोरी की वारदात हो जाती है, नरूखेड़ी गांव में चोरी की वारदात हो जाती है और इस समय सूचना मिलते ही पुलिस की टीमें मौके पर पहुंच जाती है। सर क्या बताना चाहेंगे, एक सराफ की दुकान पर चोरी हुई है, क्या कुछ जानकारी मिली है? सर एक सुनार की दुकान पर चोरी हुई है, रात हमें सूचना मिली थी तो अब मौके पर आए हैं और मौके का मैंने निरीक्षण कर लिया है और फिंगरप्रिंट टीम को मौके पर बुलाया। तो शटर तोड़कर चोरी हुई है बता रहे हैं? शटर तोड़कर चोरी हुई। तो कब तक आ जाएगी फोरेंसिक टीम? आने लग रही है, रास्ते में ही है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं इस समय नरूखेड़ी गांव में जो है एक सराफा जो ज्वेलरी की दुकान है वहां पर चोरी हो जाती है, जिसके बाद पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची हुई हैं। फोरेंसिक टीम भी आप इस समय देख सकते हैं गांव नरूखेड़ी में इस समय पहुंचती हुई नजर आ रही है। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स को भी जो है आप देख सकते हैं इस समय नरूखेड़ी गांव में बुलाया गया है, जहां पर एक ज्वेलरी की दुकान में जो है चोरों ने यह सेंधमारी की है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। शटर तोड़कर अंदर तिजोरी खोलकर चोर जो है चोरी कर फरार हो जाते हैं और इस समय लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं किस तरह से जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो भी मौके पर इस समय पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। करनाल के नरूखेड़ी गांव से इस समय आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, जहां पर जो फोरेंसिक टीमें हैं वो भी मौके पर पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस समय मौके पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस की जो टीम है वो मौके पर पहुंची हुई है। लाइव तस्वीरें इस समय करनाल के नरूखेड़ी गांव से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर एक बड़ा मामला निकलकर सामने आता है, जहां पर एक ज्वेलरी की दुकान है गाँव के अंदर और उसमें जो है चोरी की एक बड़ी वारदात हो जाती है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस समय मामले की तफ्तीश करते हुए नजर आ रहे हैं। फिंगरप्रिंट जो है चेक किए जाएंगे ताकि फिंगरप्रिंट्स अगर किसी के मिलते हैं तो उस आधार पर आगे की कार्रवाई शुरू की जा सके। तो तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, फोरेंसिक एक्सपर्ट्स इस समय आप देख सकते हैं उसी तिजोरी को चेक करते हुए नजर आ रहे हैं। जो पुलिस की टीमें हैं वो मौके पर पहुंच जाती है, मामले की पूरी गहनता से गंभीरता से जो छानबीन है वो शुरू कर दी गई है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये जरूर है कि गांव के अंदर बनी इस ज्वेलरी की दुकान में चोरों ने जो सेंधमारी की है वो वाकई काफ़ी हैरान कर देने वाली तस्वीर जरूर है। इस समय लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो मौके पर पहुंचे हुए हैं, पुलिस की टीमें जो है आप देख सकते हैं मौके पर पहुंची हुई है और मामले की पूरी गहनता से गंभीरता से जो छानबीन है वो शुरू कर दी गई है। ये लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं, पुलिस की टीमों की तरफ से जो छानबीन है वो शुरू कर दी गई है। ये तस्वीरें इस समय करनाल के नरूखेड़ी गाँव से इस समय आप देख सकते हैं, जो फिंगरप्रिंट्स हैं उनको आप देख सकते हैं इकट्ठा करने की कोशिशें की जा रही हैं। जो फोरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं वो इस समय यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं, सोने चांदी के जेवरात और नकदी थी वो लेकर जो चोर हैं वो यहाँ से फरार हो जाते हैं और इस समय फोरेंसिक टीमें मामले की पूरी गहनता व गंभीरता से छानबीन करती हुई नजर आ रही है। ये लाइव तस्वीरें इस समय करनाल से इस समय आप देख सकते हैं, जहां पर फोरेंसिक एक्सपर्ट्स पूरे मामले की गहनता व गंभीरता से छानबीन करते हुए नजर आ रहे हैं। गांव के जो तमाम लोग हैं आप देख सकते हैं इस समय नरूखेड़ी गांव में वो यहां पर इस समय मौके पर मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बहुत ही हैरान कर देने वाला मामला। कितने बजे आपको जानकारी लगी थी कि आपकी दुकान में चोरी हो गई? मेरे पास तो 7:30 बजे पड़ोसी फोन आता जी मोहित का जी, ये कहने लगा भाई आपकी दुकान का शटर फट रहा। मैं सोचा मजाक कर रहे होगा, फिर ये मेरे पड़ोसी जी पप्पू मास्टर जी इन्होंने फ़ोन किया, अभी फिर भी विश्वास नहीं है। मेरे ताऊ का लड़का रहता है पीछे सोनू जी, उसके पास फ़ोन किया, उसने कहा भाई वाकई में शटर फटिया जी। मैं शुक्र कॉलोनी गली नंबर 3 में रहता हूँ इंडियन डायरी के पास जी, वहाँ से मैंने मैडम को फ़ोन किया, फिर हम इकट्ठे आए जी। उसके बाद हमने किसी का हाथ लगा जी, डायलॉग 112 पुलिस आई, पुलिस आने के बाद फिर इसके दोनों लोग और इसका लोग जी पुलिस ने खुलवाया, हमें कोई चीज़ छेड़खानी नहीं करी जी। नुकसान है सर जी, कम से 4-5 लाख का नुकसान होगा मेरा जी। ज्वेलरी और नकदी थी? नकदी भी ना, 2 लाख रुपये नकद पड़े थे जी, कैश था जी और 2 चैनी सेट थे जी। कल ही सामान लेकर आते मैं कस्टमर का जी, और मेरी तबीयत खराब होने में जुंडला का दवाई लेके मैं उधर निकल गया जी, माइंड से निकली, तिजोरी लॉक नहीं थी मेरी जी। तिजोरी लॉक नहीं की, जिसके चलते तिजोरी खुली रह गई और आप देख सकते हैं चोरों ने शटर और शीशे का दरवाजा तोड़कर जो है ये चोरी की है, जिसकी लाइव तस्वीरें इस समय आप देख सकते हैं। पुलिस और फोरेंसिक टीमें मौके पर मौजूद हैं और मामले की जो तफ्तीश है वो पुलिस टीमों की तरफ से शुरू कर दी गई है। कमल मिड्डा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।